फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने पोको C61 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में, अगर आपके मोबाइल फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर अगर काम नहीं कर रहा है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मोबाइल फोन को एक बार ना रीस्टार्ट कर लेना है। अगला काम ये करना है कि आपके फोन का जो फिंगरप्रिंट सेंसर है उसे आपको अच्छे से साफ कर लेना है, और जिस फिंगर को आप अपने सेंसर पर टच करते हैं उस फिंगर को भी अच्छे से साफ कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन में ये फाइल का ऐप होता है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे एप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में सबसे ऊपर सिस्टम ऐप जो लिखा हुआ है इसे टैप करना है। अब आपको इस पेज में नीचे आकर ये एंड्रॉइड सिस्टम पे टैप करना है। एंड्रॉइड सिस्टम के इस पेज में आपको स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहां पर आपको नीचे क्लियर कैच पे टैप करना है। अब इसे ओके करना है तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है। अब आपको एक काम ये भी करना है कि आपने जो भी पहले वाला फिंगरप्रिंट लॉक लगा रखा है उसे आपको पहले वाले फिंगरप्रिंट लॉक को डिलीट करके एक नया फिंगरप्रिंट लॉक जो है वो सेट कर लेना है। इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगला काम ये करना है मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फोन का इंटरनेट चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर है सर्च बार पे टैप करना है। यहां पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिक्योरिटी अपडेट आपको लिखना है। नीचे आपको सिक्योरिटी अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लेकर आएगा। सिक्योरिटी अपडेट का ये ऑप्शन टैप करिए तो आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहां पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है। अब दोस्तों अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहां पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए। सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है। यहां पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। आपको इस वाले पेज पे नीचे इरेज ऑल डेटा पे टैप करना है। इससे आपका फोन जो रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन का जो डेटा है ना उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है ना। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।